हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 20D का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। लास्ट वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको समझा दिया है पूरा डिटेल में और कॉन्सेप्ट के साथ उनका लिंक, और उसके अलावा नेक्स्ट वीडियोज़ का भी जो लिंक रहेगा वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया हुआ हमारे पास। वन साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल स्कार्फ इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स लॉन्गेस्ट साइड इज 1 मीटर। यानी कि एक स्कार्फ हमें बताया गया है जो कि राइट एंगल के शेप में है। ओके, तो उसका जो वन साइड है, एक साइड में दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा वो दिया हुआ है हमें 1 मीटर का। तो फाइंड इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ 250 पर मीटर के स्क्वायर। तो हमें स्कार्फ का रेट पता करना है। तो देखो, यहाँ पर मीटर के स्क्वायर में हमें रेट दिया हुआ है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो उस स्कार्फ का एरिया पता करना पड़ेगा, और एरिया पता करने के लिए हमारे पास हाइट होना चाहिए और उसका बेस होना चाहिए। तो भाई, इसको आपको मैं कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब कि इसके डायग्राम बना करके आपको समझाता हूँ कि हमें दिया क्या क्या गया है और हमें फाइंड क्या क्या चीज़ करना है। देखिए, कुछ इस तरीके का स्कार्फ का शेप है हमारे पास, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल इसी टाइप से बनेगा, इसी टाइप का शेप होगा स्कार्फ का। इसमें हमसे सबसे इंपॉर्टेंट बात कहा है कि जो वन साइड है राइट एंगल वाले ट्रायंगल का, यानी कि ये वाला या फिर ये वाला, इन दोनों में से कोई एक भी आप मान लो, वो हमारे पास कितना है, वो है 80 सेंटीमीटर। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये वाला जो हमारे पास है 80 सेंटीमीटर है। उसके अलावा ये जो हमारा लाइन है, यानी कि देखो, साफ साफ कहा गया था वहाँ पर कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो कितना है, 1 मीटर है। तो इसमें से लॉन्गेस्ट कौन सा रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेन्यूज जो होता है वही लॉन्गेस्ट होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास साफ साफ इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो है 1 मीटर। और एक चीज ध्यान रखना कि अब हमारे पास मीटर और सेंटीमीटर में है, तो या तो आप इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो या फिर इस मीटर को सेंटीमीटर में कर लो। तो मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, बाद में फिर हमको जैसा जैसा जरूरत पड़ते जाएगा वैसा हम कन्वर्ट कर लेंगे, कोई कन्वर्ट करने में डिफिकल्टीज नहीं होने वाली है। तो ये हो गया हमारे पास इतना, यानी कि 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और नीचे वाला हो गया 80 सेंटीमीटर। अब हमको देखो एरिया फाइंड करना है, तभी हम फिर रेट ऑफ स्कार्फ पता कर पाएंगे। जितना भी एरिया निकलेगा उसका, उससे फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता चलेगा कि उसका रेट कितना होगा, टोटल कॉस्ट कितना होगा स्कार्फ का। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमको जब हमको इसका एरिया पता करना है, बेस दिया हुआ है तो हमें हाइट पता करना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको हाइट पता करना पड़ा था ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको हाइट पता करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारे आपका बेस स्क्वायर, यानी कि इस तरीके से आप बेस का स्क्वायर लिख सकते हो, और प्लस होता है हमारा हाइट का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसको अगर हाइट मान लो तो हाइट का स्क्वायर, ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। और ये कब होता है, जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहता है, तो आप शुरू में यहाँ पर लिख भी सकते हो इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, इस तरीके से एक लाइन लिख लेना, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में लिख करके बताया था ना, 7 में सॉरी, उसी तरीके से सेम स्टेप लिख लेना यहाँ पर, इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। इसी तरीके से बस आपको अब सॉल्व कर लेना है, यहाँ से हाइट इसका पता कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और फिर प्लस में हो जाएगा हमारे पास हाइट का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 100 मल्टीप्लाई है 100 कितना हो जाएगा, बस 4 जीरो लग जाएंगे, 20 है तो 20 और बढ़ जाएंगे, यानी कि 10,000 हो जाएगा। इधर 80 का कितना हो जाएगा, 88 का कितना होता है हमारे पास, 88 का होता है 64, तो 80 जा कितना हो जाएगा हमारा, 20 इसमें ही बढ़ जाएगा, क्योंकि 88 जा 64 हो जाएगा, और 80 में जो एक जीरो और दूसरे वाले 80 में एक जीरो मिलकर के 20 बढ़ा देंगे, प्लस हो जाएगा हमारा एच का स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये हमारे पास 10,000 है, ये इधर आकर के माइनस में 6,400 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में एच का स्क्वायर रहेगा, माइनस कर लेते हैं, ये जीरो में से जीरो माइनस हो जीरो, जीरो में से जीरो माइनस हो तो जीरो, ये हमारे पास 10 में से 4 माइनस हुआ तो हो जाएगा ये 6, या 9 बचा, 9 में से 6 माइनस हुआ तो 3, तो हो जाएगा 3600 इक्वल टू एच का स्क्वायर। स्क्वायर को हटाने के लिए इधर हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगा लेंगे इस तरीके से, 3600 अंडर रूट में इक्वल टू हो जाएगा एच हमारे पास। अब ये साफ साफ दिख रहा है जो 36 है वो किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, 6 मल्टीप्लाई 6 होता है, इसका मतलब कि ये जो 3600 है वो किसका होगा, 60 का हो जाएगा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 60 मल्टीप्लाई 60 लिख सकते हैं, 60 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू एच हो जाएगा हमारे पास। और ये 60 मल्टीप्लाई 60 कहाँ से आया, इसी का हमने क्या क्या फैक्टर फाइंड कर लिया एक तरह से कर लो आप, या फिर इसको टू पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है, 60 मल्टीप्लाई 60 कर दिया इससे। ओके, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, 60 में से दो पेयर बन गया तो एक 60 बाहर निकल जाएगा, तो 60 इक्वल टू एच यहाँ से हमें निकल जाएगा। तो ये क्या निकल गया हमारे पास, 60 सेंटीमीटर पता चल गया हमें हाइट इसका, यानी ये जो हमारा हाइट है ये हो गया इसका 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों निकला, क्योंकि हमारे पास जो दोनों ये हाइपोटेन्यूज थे और जो बेस थे वो दोनों को हमने क्या कन्वर्ट किया था, इसे हमने सेंटीमीटर में लिखा था, तो ये हमारा सेंटीमीटर में निकलेगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, हमें हाइट पता चल गया है तो एरिया वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं।
तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही होता है। बस इसी फॉर्मूला में आपको पुट कर देना है, हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में बेस यानी कि 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में हाइट यानी कि 60 सेंटीमीटर। 2 1 2 कट गया, 2 4 8 और ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 4 24 और ये 0 0 मिल करके 20 उतर जाएंगे। और ये हमारा किस चीज़ में निकलेगा, ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर में निकलेगा। अब हमको क्या करना है, एरिया तो पता चल गया लेकिन हमें जो रेट दिया हुआ है इस कार्व का वो पर मीटर के स्क्वायर में दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास सेंटीमीटर का स्क्वायर है और वो रेट क्या दिया हुआ है हमें, मीटर के स्क्वायर में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर के स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब कभी भी हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, केवल मीटर में, तब हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड देते हैं, लेकिन जब हम मीटर के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं यानी कि मीटर के स्क्वायर में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 × 100 यानी कि 10,000 से डिवाइड देते हैं। ये रूल है, आप इसको पीछे वाले जो हमारे पास टेबल बना था वहाँ पर जाकर आप देख भी सकते हो, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू 10,000 मीटर का स्क्वायर होता है। और ये कैसे होता है, देखो 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर तो 1 ही सेंटीमीटर होगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 1 1 1 ही रहेगा और सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलकर के सेंटीमीटर के स्क्वायर हो जाएंगे। लेकिन 100 मीटर मल्टीप्लाई 100 मीटर मिलकर के मीटर मीटर तो मीटर का स्क्वायर होगा ही, साथ ही 100 और 100 मिलकर के 10,000 हो जाते हैं। ओके, इसीलिए हम इसको जब कन्वर्ट करते हैं मीटर के स्क्वायर में तो डिवाइड दे देते हैं 10,000 से, तो ये हो जाएगा हमारा 2524 डिवाइड बाई 10,000 और ये बन जाएगा हमारा मीटर का स्क्वायर में। तो देखो ये 20 से 20 कट गया, 20 अभी भी है, तो यहां पर हमारे यानी कि 1 डिजिट और 2 डिजिट बाद यहां पे डेसिमल लग जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0.24 मीटर का स्क्वायर। अब हमको रेट ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ था, यहां पर 250 रुपीज दिया हुआ है मीटर के स्क्वायर में। तो आप लिख लो रेट ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ₹250 और ये क्या है हमारे पास पर मीटर के स्क्वायर में है, तो हमारे पास 250 रुपीज़ पर मीटर का स्क्वायर है, हमारे पास इतना मीटर स्क्वायर का स्कार्फ है। तो बस हमारे पास कॉस्ट निकाल देंगे स्कार्फ का, या फिर रेट ऑफ स्कार्फ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं कॉस्ट ऑफ स्कार्फ लिख देता हूँ। कॉस्ट ऑफ स्कार्फ इक्वल टू हमारा हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई 2.5 लिख दिया मैंने, 24 ये वाला, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 0 4 0 जा 0, 4 5 जा 20 का 0 कैरी हो गया 2, 4 2 जा 8 और 2 हो जाएगा हमारे पास 10, उस टाइप से 2 0 जा 0, 2 5 जा 10 का 0 कैरी हो गया 1 2 2 जा 4 और 1 5, ये 0 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये 3 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जा रहा है, ये 0 उतर रहा है, ये 0 उतर रहा है, यहाँ पर ये 0 उतर गया, ये 5 और 1 ये 6 हो गया और ये 0 उतर गया। डेसिमल कितने डिजिट के बाद हमें लगाना है, 1 और 2 डिजिट के बाद लगाना है, तो यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 060 है। उसके बाद फिर यहाँ पर 12 0 है, तो 60 से पहले वाले 0 को आप हटा सकते हो और डेसिमल के बाद वाले भी 2 0 है उसको भी हटा सकते हो, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 60 रुपीज़। इस तरीके से आपको इसको फाइंड करना था, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा दिया, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ हूज साइड मेजर, फर्स्ट में आपको देना है 18 सेंटीमीटर और दूसरा उसी का क्वेश्चन है जिसमें होगा हमारा साइड 20 सेंटीमीटर। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें चारों साइड क्या होते हैं आपस में सेम टू सेम होते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, जब हमें साइड दिया रहता है तो चारों साइड चार तो होते ही नहीं है ट्रायंगल में, तो 3 साइड होंगे, 4 मैंने गलती से बोल दिया, तो जो तीनों साइड होंगे आपस में इक्वल होंगे, तो फॉर्मूला इसका क्या बनता है, √3/4 और a का स्क्वायर, और a क्या रहता है वहाँ पर साइड रहता है, तो a का स्क्वायर जो हमें बुक में दिया हुआ है उसकी जगह में आप अगर s का स्क्वायर भी लिखोगे तो गलत नहीं कहलाएगा, क्योंकि s वहाँ पर a जो है ना उसमें आपको क्या पुट करना पड़ेगा, जो हमें साइड का लेंथ दिया हुआ रहेगा, साइड का जो हमें वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसे ही पुट करना है, तो वहाँ पर हम a का स्क्वायर की जगह में s का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जो बुक में आपको फॉर्मूला दिया है √3/4 a का स्क्वायर, वहाँ पर हम लिखेंगे √3/4 s का स्क्वायर, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो आप a से सोचोगे कि वो एरिया है, लेकिन वो एरिया नहीं होता है, वो वहाँ पर साइड ही होता है, उसका मैं डेफिनेशन आपको बाद में समझा दूंगा, ठीक है। आ जाओ इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, फर्स्ट वाला पहले सॉल्व करते हैं, जहाँ पर हमें साइड कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि √3 का वैल्यू कितना होता है, जब अंडर रूट हटता है तो 1.73 अप्रॉक्स होता है, ठीक। कभी भी इसका तो पूरा वैल्यू नहीं फाइंड हो पाया है, लेकिन अप्रॉक्स में से 1.73 हम लेते हैं, जैसे कि हमारा √36 इक्वल टू 6 होता है ना, उसी तरीके से √3 इक्वल टू 1.73 होता है। अब आइए इसे सॉल्व किया जाए, इस तरीके से आपको लिख लेना है साइड इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, फिर फॉर्मूला लगा देना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में इक्विलेटरल को इक्यू लिख लिया है, ट्रायंगल के जगह में मैंने ट्रायंगल शेप बना दिया है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है √3/4 और मल्टीप्लाई में होता है ए का स्क्वायर, लेकिन हम यहाँ पर मैंने बताया ना ए का वैल्यू हमको किसको लिखना है, 18 को लिखना है, तो हम यहाँ पर मैं एस का स्क्वायर लिख रहा हूँ। इसमें आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होना, अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हो तो आप ए का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा √3/4 और एस का स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर, साइड कितना है हमारे पास यहाँ पर 18 है, तो ये हो जाएगा हमारा 18 का स्क्वायर।
ओके अब हम क्या करेंगे, पहले तो 18 का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं कितना होता है। 18 का स्क्वायर मतलब 18 मल्टीप्लाई 18, आइए यहाँ पर कर लेते हैं 18 मल्टीप्लाई 18, 18 18 जाए कितना होता है हमारे पास 64 का 4 कैरी हो गया 6, 8 वन जाए 8 और 6 हो जाएगा 14, 1 8 जाए 8, 1 1 जाए 1, ये हो जाएगा 4, 10 का 0 कैरी हो गया 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 112 और ये 304 हो जा रहा है। फिर से चेक कर लेते हैं, कई बार मैं मल्टीप्लाई में मिस्टेक कर देता हूँ। 18 एट एट जाए हमारे पास 8 एट जाए कितना होता है 64 का 4 कैरी हो गया 6, 8 वन जाए 8 और 6 हो जाएगा 14, बिल्कुल सही है, 1 एट जा 8 होता है। मैं बोला ना मैं कई बार गलती करता हूँ, हड़बड़ी में जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो बहुत मिस्टेक होता है, इसलिए मैं याद ही कर लेता हूँ, 0 से लेकर मैं 20 तक याद कर लेता हूँ, उससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 उतर जाएगा 8 और 4, 12 का 2 कैरी हो गया 1, तो ये हो जाएगा 324। तो हमारे पास कितना आ गया, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई 4 मल्टीप्लाई 324। अब हम क्या करेंगे कि अंडर रूट 3 की जगह में आप डायरेक्ट इसका वैल्यू भी पुट कर सकते हो 1.73, अदरवाइज इसको पहले कट कर लेते हैं फिर पुट कर लेंगे। तो मैं कट कर लेता हूँ पहले, 4 वन जा 4, 4 एट जा 32 और 4 वन जा 4 हो जाएगा, तो अब अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 81 हो गया। तो अंडर रूट 3 की जगह हम डायरेक्ट अब लिखेंगे 1.73 मल्टीप्लाई 81, इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि अंडर रूट 3 इक्वल टू होता है हमारा 1.73। अब इसका मल्टीप्लाई करना है केवल, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं यहाँ यहीं पर कर दे रहा हूँ, आप क्या करना रफ में करना, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख लेना। ये हो जाएगा 371, यहाँ पर 83 जाए 24 का 4 कैरी हो गया 2, 56 और 2 हो जाएगा हमारे पास 58 का 8 कैरी हो गया 5, ये 8 बन जाए 8 और 5 हो गया 13, तो ये हमारा कितना हो जाएगा टोटल 311 का 1 कैरी हो गया 1, 8 और 2 10 का 0 कैरी हो गया हमारे पास यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 4 और ये 1, डेसिमल 2 की बात लग रहा है यानी कि यहाँ पर इसका डेसिमल लग जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका साइड कितना हो जाएगा, मतलब टोटल एरिया कितना हो जाएगा 140.13, और ये निकलेगा हमारा दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब सेम इसी तरीके से आपको सेकेंड वाला भी बना लेना है, वहाँ पर भी आपको इस टाइप से फॉर्मूला वगैरह लिख लेना है, मैं डायरेक्ट आपको बना के दिखा देता हूँ। वहाँ पर हमें कितना दिया हुआ था साइड 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो फॉर्मूला में पुट हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 बाई 4 मल्टीप्लाई 20, और उसको आप मल्टीप्लाई 20 भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर इसको आप 20 मल्टीप्लाई 20 लिखो या फिर 20 का स्क्वायर लिखो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था, जिस तरीके से आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। 18 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 18 मल्टीप्लाई 18 ही होता है, अब बस इसको आप सॉल्व कर दो। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3 की जगह में हम लिख लेते हैं 1.73, ये हमारा कितना हो जाएगा 22 जा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 20 और डिवाइड में यहाँ पर 4 है, तो 4 बन जाए 4 हो गया, ऊपर में 4 बन जाए 4 हो गया, तो कितना बन जाएगा ये 1.73 मल्टीप्लाई ये 20 का 20 यहाँ उतर जाएगा यानी कि 100 हो जाएगा, 4 का टेबल अगर हम 100 टाइम पढ़ते हैं तो 400 आएगा आंसर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका 100 से, तो बस 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो डेसिमल है ये 2 डिजिट बाहर निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा हमारा 173 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तो और ज़्यादा आसान था फर्स्ट वाले से भी, तो योग्य हमारे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व, आइए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, एरिया हमें दिया हुआ है यानी कि यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें उसका लेंथ फाइंड करना है ईच साइड का, तो बस वही वाला फॉर्मूला में आपको पुट करना है। पहले हम साइड फाइंड कर रहे थे, एस फाइंड कर रहे थे, ठीक है, सॉरी एरिया फाइंड कर रहे थे, यहाँ पर अब हमें साइड फाइंड करना है, एरिया दे दिया गया है, तो सेम उसी फॉर्मूला में पुट करके आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर हमें एरिया दिया हुआ है इतना, एरिया का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, एरिया इक्वल टू होता है हमारा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4 और मल्टीप्लाई में ए का स्क्वायर या फिर उसको आप एस का स्क्वायर जो लिखना चाहो वो लिख लो, यानी कि साइड का स्क्वायर होता है, और वही हमें साइड ही पता करना है तो हम एस का स्क्वायर ही लिख लेते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर एरिया के जब हम एरिया का वैल्यू पुट कर लो, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 16 अंडर रूट मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 और इक्वल के उस साइड में अंडर रूट 3 बाई 4 और मल्टीप्लाई में एस का स्क्वायर। ओके, तो अब क्या करेंगे हम इनको इधर ट्रांसफर कर देंगे जहाँ कि हमको एस का स्क्वायर का वैल्यू पता चल जाए, तो ये हमारा जो 3 इधर न्यूमरेटर में इधर आकर डिनोमिनेटर में हो जाएगा, 4 इधर डिनोमिनेटर में इधर आकर के न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 ये नीचे से ऊपर जा करके और ये आ जाएगा अंडर रूट 3 नीचे में और इक्वल के उस साइड में एस का स्क्वायर, ये दोनों आपस में होगा कट, 16 4 जहाँ हमारा कितना होता है 64 इक्वल टू हो जाएगा एस का स्क्वायर, हमें एस का वैल्यू निकालना है, साइड पता करना है, तो हो जाएगा अंडर रूट 64 इक्वल टू एस, तो 64 किसका स्क्वायर होता है 8 8 जाए तो 64 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी इसको देखो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता रखा है कि आप चाहो तो इसको फैक्टर निकाल करके फाइंड करो या फिर अगर आपको याद है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, तो 64 हमको पता है कि 8 8 जा 64 होता है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 8 8 जा 64 लिखेंगे, यानी कि इसको 8 मल्टीप्लाई 8 लिख लेंगे इस तरीके से इक्वल टू एस, तो हो जाएगा हमारा 8 इक्वल टू एस और ये क्या निकलेगा हमारा सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि साइड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा फाइंड। कितना आसान क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लेते हैं, उसको मैं यहीं पे सॉल्व कर दूंगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बहुत स्पेस है और मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि पूरा का पूरा पेज का यूज़ करना बहुत जरूरी है, उससे एनवायरमेंट को सेव करने में बहुत बड़ा आपका योगदान हो सकता है, बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। आइए पहले रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि हमें हाइट पता करना है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर, जिसमें साइड जो दिया हुआ है हमें 24 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। आइए इसे कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर देखो हिंट तो हमको दे ही दिया गया है, ये हिंट इतना है, लेकिन यहाँ पर हमको बताया ही नहीं गया है कि ये हिंट कैसे आया। तो मैं आपको पहले तो वो समझा देता हूँ कि हिंट ये कहाँ से आया है, ये इस तरीके से कैसे बना इक्वेशन, आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखो आपको पता होगा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 3/4 एस का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं। उसके अलावा जो ट्रायंगल की हाइट जब हमको निकालना रहता है, या फिर हाइट का जो अगर दिया रहता है, हाइट और बेस दिया रहता है, तब हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट लगाते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पर काम कर रहा है। यानी कि आपको पहले इस तरीके से लिख लेना है एरिया, ठीक है, एरिया का यहाँ पर पूरा आप लिखना, मेरे पास जगह नहीं तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इतना लिखना, फिर इक्वल करके क्या लिखना, फॉर्मूला लिख देना 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, ये एक फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है एरिया का, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो है हमारे पास अंडर रूट 3/4 और मल्टीप्लाई में एस का स्क्वायर, जिसको हम ए का स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये होते हैं दो फॉर्मूला, यानी कि दोनों जो फॉर्मूला होंगे आपस में इक्वल ही होंगे, तो यहाँ पर हम दोनों फॉर्मूला को इक्वल करके लिखेंगे। यानी देखो एरिया इक्वल टू इतना है, एरिया इक्वल टू इतना है, तो हम क्या करते हैं इसके इक्वल में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको लिखा जाता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट इक्वल टू अंडर रूट 3/4 मल्टीप्लाई एस का स्क्वायर, यही बस यहाँ पर वही काम जो वहाँ पर किया है ना, इसी काम को किया है। अब हमें वैल्यू कितना कितना दिया हुआ है 12 नंबर के क्वेश्चन में, यहाँ पर हमें ट्रायंगल का जो लेंथ दिया हुआ था, कहाँ गया, साइड दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर हमें 24 सेंटीमीटर लिखना है। तो साइड का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 24, और देखो ट्रायंगल हमारा किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो अगर ये साइड हमारा 24 है और इक्विलेटरल, इसका मतलब ये सभी 24 ही होंगे, तो जो बेस है वो भी 24 ही है ना, तो बेस की जगह में भी यहाँ पर हमें 24 लिखेंगे इस तरीके से। देखो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस की जगह में भी 24 होगा, मल्टीप्लाई हाइट हमको पता नहीं उसी को तो निकालना है, इक्वल के उस साइड अंडर रूट 3/4 और मल्टीप्लाई में एस का स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर। तो हम इसको डायरेक्ट 24 मल्टीप्लाई 24 लिखेंगे, ताकि हम इधर ट्रांसफर करें तो हमारा डायरेक्ट कट हो सके। अब क्या करना है हमको, एच का वैल्यू निकालना है, इन सबको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा, पहले जो जो चीज़ है उसको लिख लो ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, अंडर रूट 3/4 है मल्टीप्लाई में 24 है, फिर मल्टीप्लाई में 24 है, ये जो हमारा 2 है ये डिनोमिनेटर में था, इधर आकर के ये न्यूमिनेटर में हो जाएगा 2, और ये 24 जो ऊपर में था न्यूमिनेटर में था, इधर आकर के ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, या फिर इसको पूरे का ऐसे करके नीचे में 24 ऐसे भी लिख सकते हो। ये 24 कौन वाला आया, ये वाला आया। अब ये और ये आपस में कट हो रहे हैं, 4×1 = 4 कट हो रहा है, 4 ये हमारा ये भी कट हो रहा है, 4×6 = 24, तो हमारे पास कितना बच जा रहा है, एच इक्वल टू अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 6×2 हो जाएगा 12। इज दैट क्लियर। अब हमको क्या करना है, इसका वैल्यू से इसको आंसर निकाल लेना है, एच वोल्ट हो जाएगा हमारा 1.73, क्योंकि अंडर रूट 3 का वैल्यू होता है 1.73, मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पर, 2×3 = 6 है ना, बस 2×3 = 6 होता है, कैरी वगैरह कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, 2×7 = 14 = 4 कैरी हो गया 1, 2×1 = 2 और 1 = 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 के टेबल में 3, 7 और 1, तो ये हो जाएगा 6, 7, ये 10 = 0 कैरी हो गया 1, 1, 1, 2, डेसिमल 2 डिजिट बाद लग रहा है, यानी कि यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। तो हाइट कितना निकल गया हमारा 20.76, और ये सब किस चीज़ में दिया हुआ था, ये जो 24 था क्या में लिखा था, सेंटीमीटर में था ना, इसका मतलब ये भी हमारा क्या निकलेगा, हाइट भी जो होगा सेंटीमीटर में निकलेगा। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन में 12 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है 9 से, मेरा इरादा तो केवल 9 और 10 सॉल्व करने का था, लेकिन ये देखा कि मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन है जल्दी हो जाएंगे, तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं आगे के क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से समझाते रहूंगा, उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।